क्या नाम है आपका? परवेज नाम है। परवेज जी, कैसा लग रहा है, क्या है इस बार माहौल 2024 में? माहौल तो सही है भाई। किसका सही है माहौल? माहौल तो जो सही काम करेगा उसके लिए सही है माहौल। कौन सही कर रहा है, मोदी जी हैं, राहुल गांधी हैं, कौन लग रहा है? फिलहाल तो मोदी जी सही कर रहे हैं, तो सही है। सही कर रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल सही हो रहा है काम। कह रहे हैं कुछ किया नहीं है मोदी जी ने, तो बर्बाद कर रखा है देश। देखो ये कहने वाले तो कहेंगे, इससे कोई दिक्कत ना। कोई दिक्कत नहीं, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं भाई साहब, आप कह रहे हो कुछ मोदी जी आएंगे। वो किसानों के बारे में मामले को हमारे बारे में पूछो, हमें तो कोई दिक्कत ना भाई। कोई दिक्कत तो नहीं, जगह खुश है ना? बिल्कुल खुश हो, बिल्कुल खुश हैं। पहले हम 30 रुपये सवारी में जाते थे गाजियाबाद, गैस महंगी होगी हमने 10 रुपये बढ़ा दिए, तो हम काम काम है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है नहीं। पर कह रहे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई। एक बार बताओ महंगाई क्या होगी? आप वसुंधरा जाओगे बुक करके, पहले हम 70 रुपये में जाते थे तो गैस 50 रुपये किलो थी, आज गैस 80 रुपये किलो है। आप 150 में जा रहे तो 150 तो आप ही तो दोगे, तो बताओ हमारे लिए क्या महंगाई है? महंगाई नहीं है, 150 रुपये हो गए तो आपके लिए होगी ना महंगाई, हमारे लिए तो नहीं है। आप ही तो सब 150 में, आप बताओ आपके लिए है नहीं है चीज़ें महंगी? भाई हमें तो 70 की जगह 150 मिल रहे ना भाई, तो आप ही तो दोगे 150। अगर जो आपको महंगाई लगेगी तो आप ऑब्जेक्शन उठाओ, हम क्यों उठाएंगे ऑब्जेक्शन? आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं हमें तो नहीं, हमें जब आप 150 रुपये चल रही है सरकार, ये तो बता दो। बढ़िया चल रही है सरकार, चल रही है बिल्कुल। और योगी जी बढ़िया चल रहे हैं, योगी जी भी बढ़िया चल रहे हैं बिल्कुल। और क्या लग रहा है माहौल, राहुल गांधी कहीं दिख रहे हैं इस बार? कह नहीं सकते मेरे दोस्त, कुछ कह नहीं सकते। क्यों, न्याय यात्रा कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हो गए, अपनी जगह है। और ये सरकार अपनी जगह है, ये सरकार अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। क्या किया ऐसा मोदी जी ने जो पसंद है आपको? भैया जमीन पर उठा के लोगों को ऊपर बिठा रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल। और कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं बस, ये तो समझने के फेर हैं, समझने के फेर हैं। पांच उंगली एक सी तो होती नहीं। देखो पहले आदमी जमीन, हम मिट्टी पे बैठे थे, आज हम कुर्सी पे बैठे हैं। पहले लोगों को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बिल्कुल पीछे थी, अब हम हर आदमी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। तो बताओ पहले पता ही ना था क्या चीज़ क्या नहीं है, अब सारी ऑनलाइन होने के बाद हर आदमी आगे बढ़ रहा है उस चीज़ से, आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। ये ऐसी बोल रहे हो कि बस? अरे नहीं भाई साहब, बढ़ रहे हैं जब भी तो कहेंगे। सही बताओ। अच्छा एक बाबा बता दो, देखो ऐसे नहीं कि ऐसी डर वर से तो नहीं बोल रहे? डर गाएगा, डर किसका? वो कह रहे डर गए सब, इसलिए डर के मारे बोल रहे हैं। कौन किससे डर रहा? कह रहे हैं मुस्लिम तो डरे हुए हैं इस वक्त। भाई अगर जो डरते तो यहाँ गाय को खड़े होते हैं, कोई डर नहीं है तुम्हारे आगे खड़े होते। हम तो रात को सुबह 4 बजे ऑटो भी चलाते हैं, दिन में भी चलाते हैं, कोई डर ही ना, कोई डर नहीं है। कह रहे बाबा की सरकार में जो गलत काम करेगा, जो गलत काम बिल्कुल, चाहे तुम हो या मैं हूँ, अगर जो मैं गलत काम करूँगा तो मैं डरूंगा। चलो आ रहा हूँ मैं। अच्छा बिल्कुल, गलत काम नहीं कर रहा, वो नहीं डर रहा, वो गाय को डरेगा भाई, वो तो पाक साफ है। अब जो गलत काम करेगा वो जाहिर सी बात है तुम्हें भी देख के भगेगा, पुलिस वालों को भी देख के भगेगा। जब मैं गलत काम करूंगा नहीं तो मैं क्यों भगूंगा किसी को देख के, बताओ? वो तो भग गए भाई, उनको चले गए मेरी गाड़ी, अब मैं ले आऊंगा अपनी गाड़ी नंबर पे। वो तो डर नहीं दे उन्हें, उनको डर नहीं था। सवारी पूरी होगी, चले गए वो, अब मेरे मैं गाड़ी ले आऊंगा अपनी भरूंगा। और बताओ और क्या लग रहा है इस बार, क्या है ऐसा, क्या देख कर करोगे इस बार मेरी गाड़ी? क्या देख कर वोट करोगे, क्या दिमाग में रहेगा? क्या दिमाग में रहेगा भाई, अभी तक तो सही चल रहा, आगे के बारे में वक्त बताएगा क्या है हालात, बिल्कुल। 2 महीने ही बचे हैं अब तो, 2 महीने हो, कल को इलेक्शन करवा लो, अगर जो साफ दिखेंगे तो बीजेपी पे वोट जाएगी, बीजेपी पे वोट दोगे? बिल्कुल, हमारे मोहल्ले में गई है बीजेपी, बीजेपी मुस्लिम तो बीजेपी को वोट नहीं करते यार। मैं अपना आपा बुरा होता, दूसरा बुरा थोड़ी ना है, मैं बुरा हूँ तो सामने वाले को भी तो बुरा ही कहूँगा, एक बात तो बताओ। जब मैं बुरा ही ना हूँ तो मैं दूसरे को बुरा क्यों कहूँ? क्यों गुनाह में शरीक हूँ मैं उसे गलत कह के? सही बात बताओ। जब आप साफ हो और मैं आपके तरफ से, अपने दिल में आपकी तरफ से बद ध्यान दे रखूँ यार आदमी गलत है, क्योंकि सबसे पहले मैं गलत हूँ, जब भी तो आपको गलत पेश करूँगा भाई, उससे भी सही है, सही है, कोई क्या दिक्कत है, सही ना होती तो 10 साल कैसे चल जाती? कह रहे हैं तो ईवीएम हैक कर लेते हैं इसलिए आ जाते हैं सरकारों में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है भैया? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी सही काम है, विकास है, सब कुछ सही है, गुंडागर्दी सब कुछ कम खत्म हो रखी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये व्यापारी लोग हैं और ये जो नेता लोग करवा रहे हैं यो, इसलिए हो रहा है और कुछ नहीं है, ये सब दिखावटी कर रहे हैं कि हम मोदी जी ने किसानों को कुछ किया नहीं, भूखा मार दिया इसलिए आ गए हम।
ये किसान नहीं है, ये सब व्यापारी लोग हैं। किसान होते कहाँ इतने कादम बांट रहे हैं, काजू बांट रहे हैं, बादाम बांट रहे हैं और दूध बांट रहे हैं, दारू दे रहे हैं लोगों को, तो लकड़ी के लोंडे आ रहे हैं उधर, कहीं में भी हूँ घोड़ा कहीं 500 रुपये में लोंडो बिठा रखे हैं। तो ये सब ऐसे दिखावटी है, सब बेकार है, सब बेकार है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं अब उठेंगे नहीं, MSP लेके जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, ये सब आएगी, बीजेपी आएगी, पर कह रहे हैं किसान एक बार इकट्ठा होगा या मोदी को हराएंगे, नहीं हरा पाएंगे वो, नहीं हरा पाएंगे। ऐसा क्यों भैया? ऐसा मोदी के अंदर है, किसी देश में निकल जाओ, कोई देश में, किसी देश में भी बुराई नहीं हो रही उसकी, बढ़िया है मोदी। पर इस देश के तो लोग नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है, सब बढ़िया हैं। नाराज वो हैं जिसके दो नंबर के काम नहीं चल रहे, जो मेहनत कर रहा है अपना, वो सब बढ़िया है। बताता हूँ, जो जो खराम का खा के भरे हुए हैं, तो भैया वो कहेंगे कि भैया खराब है सरकार, ये है जिसके दो नंबर के धंधे नहीं चल रहे, ठीक है, और जो भैया मेहनत कर रहा उसके लिए सरकार बढ़िया। हाँ, कह रहे हैं इस सरकार में कुछ हुआ नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, पहले से ये तो नहीं है, जो पहले तो कोई भी आ रहा गरीब बंदा जा रहा चांटा मार के भोसड़ के हम कह रहे हैं का चल साले पल्लू को जा, अब ऐसा नहीं है, जो मर दिया नहीं है। अच्छा, पर कह रहे इस सरकार में बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई कुछ भी नहीं, पहले जैसी महंगाई वैसी कमाई भी तो है, मेहनत करो वैसी कमाओगे, जब काम नहीं करोगे तो कहाँ कमाओगे, ये बताओ। जब CNG में जब किराया बारह कम था, मैं भी टेम्पो चलाता हूँ, जब किराया 15 था, जब CNG भी कम थी, अब किराया जब CNG बढ़ी किराया बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है। अरे जनता परेशान है मोदी जी से, बीजेपी से, जनता परेशान नहीं है, सब दिखावटी है, सब जो बेवक्षी हैं वो बता रहे हैं, जनता परेशान है, बाकी सब सही है। अच्छा, क्या कह रहे हो भैया? सर हम तो ये कह रहे हैं कि भारत में कोई भी बने, कोई नेता मंत्री बने, वो कर्ब आए इस भारत में, जो अच्छी से अच्छी चीज बना दे वो ही अच्छा लगता है। कौन है, कौन बना रहा है इस वक्त? अब देखो इसमें अखिलेश भी थे, मुलायम सिंह भी थे, मायावती भी थी, है ना, थे, मायावती ने करवाई ये नालों की सफाई, नालों की सफाई तो वो थे, हो गए, अब बताओ अब कौन आएगा? अब दादा अब किस्मत है जिसकी, अब आप ही आ जाओ, मन में क्या है, मन की बताओ, आप कहने को तो आप भी आ जाओ, बन जाओ, हम तो आपकी कह रहे हैं, कह रहे हैं आप भी बन जाओ, आप बताओ कौन आना चाहिए, मन में क्या है, अच्छा करेगा वो ही आएगा, कौन अच्छा कर रहा है, अब उसके लिए आप अच्छा करोगे तो आप ही आ जाओगे, क्या पता अच्छा कौन कर रहा है ये बताओ, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं दादा? अच्छा तो हमें भी दिख ही रहा, क्यों कमल के फूल पे मेरे ताऊ थे, क्यों मोदी से कहते थे मौसा, योगी से कहते थे भैया, और अखिलेश से भी भैया कहते थे, और बाकी मुलायम सिंह से तो ताऊ ही कहते थे दुनिया, दादा समझ रहे हो ये बात है, लाओगे किसको, नाम तो चारों गिनवा दे, हाँ नाम तो चारों गिना दे, कि मायावती भी बनी, मायावती इसकी प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन है, किसको देख रहे हो? राहुल मन, हाँ मोदी जी को बनाओ दादा, मोदी जी को बनाओ, लेकिन दादा यार मनमोहन सिंह को बना दे, वो कृष्ण को ज्यादा चाहते हैं, मनमोहन सिंह को बना दे, मनमोहन सिंह को बना दे, क्यों? इसलिए वो भी भारत में अनाज खिलाते, कहते हैं कि मेरे देश में अगर बाढ़ आ जाए, अगर मेरे देश में आ जाए बाढ़, इस भारत में आ जाए बाढ़, तो वो अगर बंदों को पूरे भारत को बैठ के एक साल के 10 साल भी खिला देंगे। संजय जी क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, किधर कहाँ जाते हैं आप? आनंद विहार से 62 62 गाजियाबाद, नहीं नहीं 62 62 अच्छा 62 जाते हैं, तो 62 में गाजीपुर बॉर्डर तो सील है, कोई दिक्कत विक्कत हो रही है? नहीं हमें तो दिक्कत नहीं, आने में दिक्कत नहीं, नहीं नहीं। क्या लग रहा है किसान आंदोलन कर रहे हैं इस बार, कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन तो करेंगे ही जब गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो। अच्छा, आंदोलन के अलावा और चारा ही क्या है उनके पास में? अच्छा, क्या लग रहा है सरकार सही कर रही है काम या नहीं? सरकार गलत कर रही है, गलत कर रही है, गलत काम कर रही है। क्या गलत किया? जो कानून थे जो इन्होंने झूठ बोल के पहले हटा दिए, अब फिर दोबारा से वही लागू कर रहे हैं। लागू कहाँ कर रहे हैं? लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी शर्तें मानी कहाँ? तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार, कौन सुनेगा ये सब चीजें? अब सरकार को पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, राहुल गांधी एक नंबर थे, और अभी किसी पे माइक लगाएंगे वो कुछ बोल देगा फिर राहुल गांधी? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे जी बताओ, क्या लग रहा है राहुल गांधी आएंगे? हमें मोदी जी से बेस्ट तो राहुल गांधी से जी। अच्छा, मोदी जी से बेस्ट? हाँ जी। क्यों? क्यों, उन्होंने अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम? इन्होंने तो हर काम प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट से क्या, प्राइवेट अच्छा अच्छा प्राइवेट कर दिया, जैसे आर्मी वाले भी वीर आर्मी काल दिए, क्या फायदा है? प्राइवेट क्या कर दिया, जैसे वीर आर्मी का भी काल दिए तो प्राइवेट ही हो गया ना, पहले गवर्नमेंट था पूरा अपना उम्र तक, कहाँ प्राइवेट हो गया? और क्या जी, ठीक है सर कोई बात नहीं। मेरा नाम प्रवीण है।
प्रवीण जी कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या लग रहा है 24 में? वही बीजेपी। बीजेपी पर किसान तो नाराज है बीजेपी से? सब हो जाएंगे खुश, सब खुश हो जाएंगे। वो तो धरना देने बैठ गए अब। तो बैठ गए तो बैठ गए, बैठना तो है ही, जब उनकी मांग पूरी कर देंगे, करनी है तो वह तो सब कर देगा मोदी अपने आप, सब कर देंगे मोदी अपने आप। नाराज है कह रहे हैं, अब तो किसान इकट्ठा होगा मोदी के खिलाफ। नाराज नहीं होने गए, नाराज भी हो तब भी मोदी आएगा, तब भी मोदी आएंगे। ऐसा क्या जादू है कि मोदी आएंगे? जादू ही तो है उसके हाथ में, ईवीएम हैक तो नहीं कर रखी क्या उसके हाथ में ये जादू है भाइयों बहनों? बस अभी देखा, अभी विदेश में उसने क्या क्या, हिंदू भाइयों से मुझे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, उसी उस पर इतने वो विदेश में ही जो जितने भी इंडिया के आदमी बैठे हुए भी सब उसी बात पर फिदा हो गए। अच्छा बताओ तो फिर क्या लग रहा है, आ जाएंगे? क्योंकि सब तो खिलाफ चल रहा है, कह रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बार। गलत बात है, राहुल गांधी जाएंगे कहीं नहीं है, वो जीरो है। क्यों नहीं है? कहीं भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे चाहे कितना भी गठबंधन कर लो भाई, आएगा मोदी। अच्छा कितना भी गठबंधन कर लो आएंगे मोदी। बिल्कुल। ऐसा क्या जादू है मोदी जी में ये बता? जादू है बस, गाड़ी भर ले दो, बहुत टाइम हो गया।